तो गाइस वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे मशरूम और मटर की सब्जी। तो मशरूम को मैं बारीक से कट करती हूँ अपने हिसाब से छोटे छोटे पीसों में, तो ये मैंने कट कर लिए। अब मैं बनाती हूँ पेस्ट। तो उसके लिए मैंने लिए हैं एक बड़ा प्याज, बहुत सारी लहसुन की कलियाँ, साथ में दो टमाटर और काजू और मगजदाना। इसका बनाती हूँ मैं प्यूरी। और मैंने यहाँ पर रख दी है बॉयल होने के लिए मशरूम और मटर। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। जब तक तेल हमारा होता है गरम, हम इसमें कट करेंगे दो तीन हरी मिर्च लंबे लंबे, वो था टेस्ट के लिए अच्छा था, फिर इसके पापा भी पसंद करते हैं। तो ये हो गया मेरा तेल भी गरम। इसमें मैं तड़का मारती हूँ जीरे का, साथ में जो खड़े मसाले होते हैं बेसिक से, वो लौंग, काली मिर्च और जायफल। अब मैं पेस्ट इसमें डाल दी है, साथ में मैंने ऐड किया है कस्तूरी मेथी जो कि मेरा फेवरेट है। अब मैं डालती हूँ बेसिक से मसाले, जैसे कि ये डिब्बा आपने हर बार देखा ही है मेरी रेसिपी में। तो इसमें हल्दी, नमक, चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जो होता है सब्जी मसाला और जीरा पाउडर, ये मैंने ऐड कर दी है। सो कुछ देर पकने के बाद देखिए इसने हल्का हल्का तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने उबले हुए थे मेरे मटर और मशरूम। तो कुछ देर पकने के बाद मैं उसको मैं फिर चेक करती हूँ कि इसने ठीक से तेल छोड़ा नहीं छोड़ा करके। तो देखिए इसने दोबारा तेल छोड़ दिया है, मीन्स कि ठीक से हमारे सीस जो मसाला है पक चुका है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने कि ड्राई करने के लिए इसको मैंने और इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी। तो गाइस जब तक ये पक रही है मेरी रेसिपी मीन्स मेरी सब्जी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और ये बन के हो गई है तैयार, इसको मलाई के साथ सर्व कीजिए, बहुत यम्मी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।